मैट्रिक्स ऑफ सराउंडिंग्स, अपने आले दुआले का एक मैट्रिक्स जिंदे ते अज अपनी तीजी वीडियो मैट्रिक्स का तीजा पार्ट ये वीडियो बनाउन लगा मैं। तो आले दुआले का जिहड़ा मैट्रिक्स है ना वो मतलब जिहड़ा अपना एजुकेशन के मैट्रिक्स की गल की सी आपां, तो उस तो पहला वाली वीडियो मैट्रिक्स बारे वैसे थोनों दस्या सी। ता असली जेड़ा सिस्टम आ वो अपने आले दुआले तो ही पैदा होंदा, अपने आले दुआले सराउंडिंग्स दे विच फैमिली आ जांदी आ, फ्रेंड्स आ जांदे आ, ते रिलेटिव्स आ जांदे आ, थोड़ा मतलब कॉलेज स्कूल जिथे भी तुसी मतलब आसे पासे विचरदे हो है ना, वो चीज़ आ जिहड़ी वो आ जांदी आ मैट्रिक्स ऑफ सराउंडिंग्स दे विच। सराउंडिंग्स अपने मतलब कह लो भी एक तरह नाल इस चीज़ को आप भी कह सकते हैं भी जो भी अपने आले दुआले गल्लां होंदियां, जो अपने आले दुआले आपां नूं मतलब दस्या जांदा है वो भी एक मैट्रिक्स का हिस्सा है। हुण मैट्रिक्स का हिस्सा मैं क्यों कह रहा भी तुसीं ये देखो कि आपां पहली वीडियो दे विच एक गल कीती सी भी जे एक स्टूडेंट का उहदा इंट्रस्ट आ जिहड़ा वो स्टडी दे विच घट आ, जां कह लो भी उहदा जिहड़ा सिस्टम आ वो थोड़ा स्टडी दे वालों दा ध्यान आ जिहड़ा वो नहीं हैगा, पर उहदा होर किसी काम वाल जिस तरह कह लो भी उहदा मकैनिकल वर्क दे वाल ध्यान बहुत वधिया है, जां वह कोई मतलब टैक्निकल जिहड़ा काम आ वो बड़े वधिया तरीके नाल कर लैंदा है। उहदा तुसीं दसो भी उहनू मतलब आपां होर कुछ किसी सबजैक्ट बारे दसण दा उहनू की लाभ होगा जदों उस चीज़ का उन्होंने इंट्रस्ट है नहीं, जिहड़ी चीज़ विच उहदा इंट्रस्ट आ वह बहुत वधिया कर रहा है। तो यह चीज़ है इत्थे आ के जिहड़ी सराउंडिंग्स आ ना वो मतलब आपका मैट्रिक्स का एक रूप विखाउंदियां, उत्थे अपने आला दुआला अपने रिलेटिव्स अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली अपना दोस्त मित्र वो सारे मतलब इस चीज़ विच इनवॉल्व हो जाते हैं। वो कहिंदे आ नहीं तू इदा नहीं इदा कर है ना, मतलब ये जिहड़ी चीज़ है ये एक मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाती है। ये वीडियो मतलब मैं हूँ उही गल आ जाती है भी इनू ज़्यादा लंबा खिंचन की मैं कोशिश नहीं करूँगा, मैं ये बहुत छोटी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इनका जिहड़ा एक सारांश है ना वो जस्ट कुछ शब्दों का ही है। तो सारांश दे विच तुसीं ये कह लो भी मैं मैट्रिक्स बारे जिवें आपां गल कीती है पहली वीडियो दे विच है ना तुहानूं थोड़ा एक्सप्लेन करके दस्या, एजुकेशन सिस्टम की गल हुई उहदे विच भी मतलब थोड़ी लंबी डिस्कशन गई उस चीज़ की। जिहड़ा सराउंडिंग्स की मैट्रिक्स की गल है ना इहदे विच तां जस्ट बस वन थिंग है कि तुसीं आपदे आप नूं किस तरह प्रिपेयर करते हो मैट्रिक्स दे विचों निकलदे लई। थोड़ा आला दुआला थोनों कोई भी काम करन तो मतलब जदों रोक रहा है तां उत्थे तुहाडे ते डिपेंड करदा है कि तुसीं वह काम कर रहे हो वो तुहाडे लई सही है जां नहीं है, ये तुसीं देखना है ना। क्योंकि मतलब हुण उही मैं एक एग्जाम्पल लैंदा हुंदा भी एक स्टॉक मार्केट की जे आपां गल करिए हुण मतलब मैक्सीमम लोगों नूं स्टॉक मार्केट बारे यूट्यूब तो पता लग रहा है ना, जां कह लो भी थोड़ा बहुत चलो स्टॉक मार्केट बारे थोड़ी जानकारी आनी शुरू हो गई, पर अज भी प्रायोर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आ जिहड़े वो स्टॉक मार्केट नूं एक जुआ ही समझी जांदे है ना। स्टॉक मार्केट में जे वधिया तरीके एनालाइज करके यूज़ किया जाए तो स्टॉक मार्केट अर्गा तो कोई बिजनेस नहीं है ना, तो होर अदर कोई बिजनेस जो आप एग्जाम्पल लाइए जे एक खेतीबाड़ी वाला परसन आ तो उन्हें को जेकर तुसी स्टॉक मार्केट की गल करोगे तो खेतीबाड़ी वाले की पता लगेगा भी स्टॉक मार्केट की चीज़ है। तो एजुकेशन जिहड़ी लैनी है ना वो पार्टिकुलर एक मतलब थोड़े फायदे की हो फिर वो काम आती है। जे मान लो भी तुसी मतलब इन एक आप कह सकते हैं भी सलाह वाला जिहड़ा सिस्टम है ना वो बहुत गलत आ भी आप सलाह पता किन्दे तो लैने जिन्हों उस फील्ड बारे कोई जानकारी नहीं होंगी आप उस फील्ड की सलाह लैन लग पाने। जिवें मतलब मैं ते मेरा एक दोस्त गल्लां कर रहे थे असी इस टॉपिक पर गल चल रही थी भी सलाह लैन वाली गल तो ही गल्लां पता कर लग पे ऑनलाइन बिजनेस जिदा मैं मतलब है ना उन्दे विच इनवॉल्व हाँ तो वह मैनू गल कर लग पे भी अगो अगला जिहड़ा परसन हुंदा वह कहिंदा भी मैं जिहड़ा ना आपदी फैमिली नाल गल करूंगा है ना। हुण जिहड़े पेरेंट्स वो अज्ज दे सिनेरियो नूं
मतलब बहुत कह लो भी बहुत पिछे ने अज के सनैरियो समझण दे विच, क्योंकि उन्होंने इस तरह लगता है भी हले भी उस तरीके नाल काम चल रहे हैं जिहड़े तरीके नाल अज तो 20 साल 15 साल पहला चलते होंगे सी। जे पर जे अज का समा वेख्या जाए तो अज जिहड़े तरीके ने वो बदल चुके हैं, खास करके जदों का कोविड वाला सिस्टम आया सी लॉकडाउन तो बाद। तुसीं ये देखो भी वड्डियां वड्डियां कंपनियां वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम लैके आ गई सी, पर जिहड़े मतलब अपने मतलब कह लो पेरेंट्स ने वो हाले तक भी वर्क फ्रॉम होम का जिहड़ा कंसैप्ट उन्हें समझ नहीं पा रहे भी इहदे विच हो की रहा है ना। जां जिहड़ा स्टडी का सिस्टम आया सी, स्टडी ऑनलाइन स्टडी होने लग पई सी, स्कूल ऑनलाइन स्टडी कराउंदे सीगे, उस चीज़ के भी मतलब पेरेंट्स कहते भी साढ़े बच्चे जोड़े ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते, कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हों का माइंड प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप उन्होंने होम स्कूलिंग बारे कुछ भी दस ही नहीं रहे भी घर बैठ के भी स्कूलिंग हो सकती है, घर बैठ के भी तुम वो नॉलेज लै सकते हो जी नॉलेज थोड़ू स्कूल के मिलती है। पर मतलब मैं थोड़ा ये नहीं कह रहा कि तुम स्कूल छड़ के घर बैठ जाओ, ना स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो ना ही मापियां कह रहे हैं भी तुम अपने बच्चों घर बिठा लो, क्योंकि जोड़ा मतलब कह लो भी एक फ्लो है ना, वो फ्लो हाले टुटन से टाइम लगेगा, मैट्रिक्स भन्न से टाइम लगेगा। जे वो मैट्रिक्स भन्न के तुसी मतलब तुहाडे विच है इन्ना दम कि तुसी वो मैट्रिक्स तोड़ के वो जिहड़ा फ्लो आ उन्नू भन्न के तुसी कुछ अलग कर सकते हो फिर नो मैटर। पर मतलब जिहड़ी हुण एट अ टाइम जिहड़ा सनैरियो आ वो यही कहिंदा भी तुसी जो कर रहे हो जो थोनू आले दुआले करना पै रहा वो थोनू करना ही पवेगा, पर माइंडसैट थोनू आपका क्रिएट करना पवेगा कि असी उस चीज़ दे विच मतलब बिल्कुल फस ही जाना जा उस चीज़ तो सीख के अगे बढ़ जाना है ना। तो यह जी वीडियो उन्हें बस एक मैं एको वर्ड दे विच जे आपां इह सारी वीडियो नू खत्म करना होवे तो मैं यही कहूँगा भी माइंडसैट मैटर्स, जिहड़ा माइंडसैट उहदे उत्ते कोई चीज़ नहीं हैगी, तुसीं आपदा माइंडसैट किदां दा बना रहे हो यह तुहाडे ते डिपेंड करदा, तुहाडा आला दुआला जिहड़ा वो तां ही तुसीं अपने आले दुआले दे सिस्टम चों बच सकोगे जे तुसीं आपदा माइंडसैट सही रखिया है ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शनज बहुत ज़्यादा ने अपने आले दुआले। हुण नॉर्मली सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एक मतलब बन गया सिस्टम भी हाँ भी अपने पेरेंट्स बच्चों के जड़े यंग एज वाले बच्चे है वो कहें भी सोशल मीडिया तो बिना साडा सरदा नहीं, जिहड़े पेरेंट्स आ वह कहें भी सोशल मीडिया साडे बच्चों वास्ते बहुत घातक है। जे देखा जाए दोवें आपकी जगह सही ने, पर सारे नालों वड्डी डिस्ट्रैक्शन अज के टाइम के सोशल मीडिया है। मैटर यह करता भी तुसीं सोशल मीडिया नूं यूज़ किवें कर रहे हो, जे कोई यंग एज का परसन सोशल मीडिया के थ्रू मतलब आपका एक वधिया सिस्टम परसनल ब्रांड क्रिएट कर रहा है तो उहदे वास्ते सोशल मीडिया काम दा, पर जे असी कल्ली रील्स स्क्रॉल कर लिया यूट्यूब ते शॉर्ट्स देख लिया वैब सीरीज़ देख लिया है ना यही काम लगे रहे फिर आप जिहड़े आपके गोल तो वो भटक जाते हैं, तो आप मैट्रिक्स दे विच जिहड़ा मैट्रिक्स मेन उही गल भी हैगा फसाउणा चाहुंदा आपां नूं उहदे च आपां फस जाते हैं। तां इह चीज़ जरूरी है समझनी कि अपने वास्ते सही की है ते गलत की है, वो तां ही समझी जा सकूगी मैट्रिक्स दे विचों तां ही निकलिया जा सकूगा जे तुसीं आपदा माइंडसैट क्रिएट करोगे, एक वधिया एक ग्रोथ वाला माइंडसैट क्रिएट करोगे। ग्रोथ दा माइंडसैट क्रिएट करन वास्ते सानू सैल्फ डिवेलपमेंट बारे जानकारी लैनी पवेगी, किताबां पढ़नियां पैणगियां है ना, तां उह चीज़ां तों असीं दूर हुंदे जा रहे हां। जे हुण यूट्यूब दा ही मतलब नॉर्मली देखिया जांदा भी यूट्यूब दे उपर जिहड़ा वीडियोज़ ने एजुकेशनल वीडियोज़ ने उहनां दी जिहड़ी मंग आ उह घट आ, ते जेकर तुसीं हासे मजाक वालियां वैब सीरीज़ हो गईआं उहनां दी मंग तुसीं वेखो किन्नी ज़्यादा, ते फिर आपां कित्थों आस करांगे जिहड़े मैट्रिक्स दे विच फसे होए आ उहदे चों निकलांगे, मैट्रिक्स चों तां ही निकलांगे ना जे असीं आपदे उस लैवल दी एजुकेशन नूं हासिल करांगे। तां अपने आले दुआले दे डिस्ट्रैक्शनज़ नूं छड्ड के आपदा एक वधिया माइंडसैट क्रिएट करो कि थोड़ा जिहड़ा आप आसे पासे दा सराउंडिंग दा मैट्रिक्स है ना वो थोनू प्रभाव ना मतलब थोनू प्रभावित ना कर सके, ते जिहड़ा आपदा टाइम है उन्हू सही तरीके नाल यूटिलाइज करना सीखना पैना, फिर ही जिहड़े अपने मैट्रिक्स ऑफ सराउंडिंग्स दे विचों निकलिया जा सकूगा। बाकी
ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਫਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।